लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच टीम ने अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है जो कि ड्रग तस्करी करता था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तस्करी के लिए लाया गया 800 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पकड़े गए गांजा की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2,40,00,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गांजा बरामद करने के साथ ही 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को उम्मीद है कि इन तस्करों की गिरफ्तारी से इनके रैकेट का भंडाफोड़ करने में मदद मिलेगी। हमारा जो IGIS क्राइम ब्रांच है द्वारका में, इंटर बॉर्डर गैंग्स इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड, इन्होंने एक भारी सफलता प्राप्त की है। 800 किलो गांजा पकड़ा इन्होंने जिसकी वैल्यू 2.4 करोड़ के आसपास है। ट्रक में ये सामान विशाखापट्टनम से छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा होता हुआ दिल्ली पहुंचा और यहाँ इनके ड्राइवर और एक इनका जो सप्लायर जो एक साथ में आता है उनको अरेस्ट किया गया पहले। उसके बाद हमने इनको रिमांड पे लिया, फिर आगे तफ्तीश की, फिर जो सप्लायर था मेन सप्लायर उसको भी पकड़ा। तो इसमें जो ड्राइवर है जयपाल यादव, सप्लायर है विकास कुमार और जो सोर्स है वो पुरुषोत्तम कुमार है। ये इंसिडेंटली तीनों ही बिहार के हैं, पटना बिहार के। जो हमारी टीम है, हमारे ACP साहब हैं, इनके सुपरविजन में मनोज पंत साहब के और इंस्पेक्टर यशपाल और इनकी टीम और जो इन्फॉर्मेशन थी SI गोविंद है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ट्रक है ये विशाखापट्टनम के जंगलों के आसपास भरा जाता है। वहाँ एक अनवर नाम का आदमी है जो कि वहाँ का लोकल सोर्स है। वहाँ से ये किस तरह से अपना नेशनल हाईवे पे होता हुआ अलग अलग स्टेट से दिल्ली पहुँचता है और दिल्ली NCR में इसका मेजर सप्लाई रॉकेट है। तो हमने यहाँ का जो आगे का जो जो रिसीवर था यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई किया, उसका नाम अमित है। जैसे हमने इसको पकड़ा उसके फ़ोन बंद हो गए, तफ्तीश आगे चल रही है। एक जो पीछे अनवर है उसके लिए भी टीम कोशिश कर रही है। तो अभी फ़िलहाल ये 3 पकड़े गए। इनमें से एक जो इनका एक और एसोसिएट था पटना बिहार का मोहम्मद सलाम, वो क्राइम ब्रांच के ही एक और टीम ने जुलाई के महीने में ऐसे ही 800 किलो गांजा पकड़ा था, उसमें वांटेड था। तो अभी 19 तारीख को उसको अरेस्ट किया। वो और इसका जो सोर्स है पुरुषोत्तम कुमार, ये दोनों पार्टनर्स हैं। तो इन लोगों ने वहाँ पे भारी प्रॉपर्टी और 10 टायर के 2 ट्रक खरीद लिए। खूब अच्छा बिजनेस इन्होंने 8-10 साल से कर लिया और इसमें पुरुषोत्तम आज तक अरेस्ट भी नहीं हुआ। तो ये 3 आदमी अरेस्ट किए, अभी आगे हम लोग और इसमें एफर्ट कर रहे हैं। सर, इस मामले में कितने लोग भी एब्सॉन्ड हैं? अभी हमारे हिसाब से जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस बोलते हैं हम लोग उसको, पीछे जो जहाँ से सामान आ रहा था वो अनवर बच रहा है और आगे जहाँ जाना था वो अमित बच रहा है। दिल्ली ही आना था इसको। आमतौर पर देखा गया है दिल्ली या दिल्ली NCR में ये लोग अपना गोदाम बनाते हैं और वहाँ से फिर वो रिटेल में सप्लाई होता है। तो एक बार में 800 किलो आ गया। इसमें जो बाकी जो इनके जो गनी बैग्स थे, प्लास्टिक के जो गनी बैग्स थे, उसमें वो राइस स्ट्रॉ बोलते हैं जो भूसा वो रखा हुआ था, तो उसे कवर था अंदर ये 800 पैकेट से। नहीं, ये आगे जंगल आंध्रा के काफी वो जंगल एरिया है तो पुराना वीरप्पन का होता था। अच्छा। तो वहाँ से ये उगता है और अभी इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में भी जो आंध्र प्रदेश के जो ऑफिसर्स थे उनके साथ हमने शेयर किया था, इट इज़ अ ग्रेट कंसर्न फॉर देम ऑल्सो। पहले ये गांजा मोस्टली उड़ीसा से आता था पर ऑफ लेट हम देख रहे हैं विशाखापट्टनम से आया। अमित एक बंदा है, बाकी और भी हो सकते हैं, उसके आगे और भी होंगे। तो वह रिटेल में बहुत सारे होंगे। ट्रक जो है ये छत्तीसगढ़ नंबर का ट्रक है, जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है छत्तीसगढ़ का है, उसका ओनर भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। वो इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। बाकी ये बड़ा ट्रक है तो उसमें पहले ये अपना गांजा रख लेते हैं। एक बैग 25 किलो का है तो 800 किलो गांजा रख लिया, उसके बाद उसको कवर करने के लिए भूसा डाल दिया ऊपर से। तो दिल्ली में इससे पहले भी लेके आए हैं? अभी मैंने बताया आपको कि जुलाई में हमने एक और मॉड्यूल पकड़ा था, तो हाँ इनके एसोसिएट का ही था।
तो उसको अभी अरेस्ट किया। इनफैक्ट दैट पर्सन इज ऑल्सो वॉन्टेड इन दिस केस।